बिना सोचे समझे, खास तौर पर गहने धारण करना भारतीय समाज में बहुत ही आम बात है। और बहनों का, माताओं का जो स्वर्ण प्रेम है, गहनों से जो प्रेम है, वो जग जाहिर है। और यही कारण है कि विश्व में सर्वाधिक सोना किसी देश की महिलाओं के पास में है तो वो भारतवर्ष है। इसमें सीधे सीधे तो कोई बुराई नजर नहीं आ रही। आप किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो भी आपको यही सलाह देगा कि सोना खरीदिए, जहां पर दूसरे निवेश आपको धोखा दे सकते हैं। स्टॉक्स मार्केट कभी भी गिर सकता है, रुपए की कीमत बदलती रहती है, प्रॉपर्टी आप अपनी मन मर्जी से आधी रात को बेच नहीं सकते, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। परंतु सोना एक ऐसा निवेश है जिसको आप आधी रात को भी भुना सकते हैं। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, परंतु जब हम हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का गहना धारण करते हैं, खास तौर पर चांदी या सोना, तो इसका कुछ न कुछ असर हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा। साथियों, ज्योतिष में सोने को सीधे तौर पर बृहस्पति देव से जोड़ा गया है और चांदी को चंद्रमा से जोड़ा गया है। तांबे को यदि हम बात करें तो सीधे तौर पर सूर्यदेव और मंगलदेव से जोड़ लिया गया है। और लोहा, जिसको कि शनिदेव का प्रतिनिधि माना जाता है। और आमतौर पर ज्योतिषी भी और हमारे जो घर घर में ज्योतिष के विद्वान बैठे हैं, वो भी ये जानते हैं कि यदि मानसिक अशांति है, तनाव है, तो एक चांदी में मोती धारण कर लिया जाए या चांदी को किसी भी प्रकार से धारण कर लिया जाए। यदि आरोग्य की प्राप्ति हमें करनी है तो फिर तांबे की एक अंगूठी हमें धारण कर लेनी चाहिए। बृहस्पति देव से किसी प्रकार का कष्ट है तो सोना धारण कर लेना चाहिए। शनिदेव की कोई समस्या है तो लोहे का छल्ला इस अनामिका में धारण करने की सलाह प्रायः दे दी जाती है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम प्रत्येक राशि के बारे में ये जानने का प्रयास करेंगे कि कहीं आपने जो अपने शरीर पर सोना, चांदी, तांबा धारण किया हुआ है, आपके किसी दुख का कारण तो नहीं बन रहा वो, जाने में अनजाने में, क्योंकि धातुएं सुचालक है, गुड कंडक्टर है वो। साइंस के विद्यार्थी इसको अच्छे से जानते हैं। तो किसी भी प्रकार की धातु गले में, उंगलियों में, कलाई पर, बाजू पर धारण करने से पूर्व हमें इस बात का निश्चित तौर पर प्रमाण पहचान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, प्रामाणिकता सिद्ध कर लेनी चाहिए कि वो जो धातु है वो हमारे लिए शुभत्व लेकर के आया है या अशुभत्व। आइए जानते हैं। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मेष से लेकर के मीन राशि तक, और ये वो राशि है जो आपकी जन्म पत्रिका की राशि है, वो राशि नहीं जिससे आपने अपना नाम रख लिया है। जन्म पत्रिका की जो राशि है उस राशि के अंतर्गत ये एक हमारा जनरलाइज शोध है जो कि तथ्यपूर्ण है। परंतु इसमें अब सबसे बड़ा धर्म संकट तो यही है कि यदि कोई बहन, कोई माता, यदि उसको हम कहेंगे कि आप स्वर्ण धारण न करें, तो उनके लिए ये जाहिर सी बात है, प्रमाणिक बात है कि उनको ये कदापि उचित नहीं लगेगा।
हम यहाँ पर ज्योतिषीय विश्लेषण कर रहे हैं, यहाँ पर हम श्रृंगार का, शौक का, इन सब का विश्लेषण नहीं करने जा रहे हैं। तो जन्म पत्रिका की राशि के अनुसार खास तौर पर यहाँ पर सोना और चांदी, क्योंकि ये वो दो प्रमुख धातुएं हैं जो हम धारण करते हैं, उनका क्या क्या असर होता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, यदि आपकी मेष राशि है तो आपको अवश्य ही सोना धारण करना चाहिए। अब सोना धारण करने से होगा क्या कि जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं, यदि आपके कार्यों में रुकावट आ रही है तो सोना धारण करने के बाद में आप देखेंगे कि उन सभी कार्यों ने अपनी गति पकड़ ली है। और ठीक इसके विपरीत यदि आप चांदी धारण करते हैं, चांदी आपको सूट नहीं करेगी। यदि आप धारण करते भी हैं तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपको घेर सकती है, एलर्जी, खास तौर पर त्वचा की एलर्जी की जो समस्या है वो देखने में आ सकती है। और बात यहाँ पर डायमंड की भी करते चलें, मेष राशि के जातकों को, जातिकाओं को डायमंड भी सूट नहीं करेगा, इसलिए उससे भी आपको परहेज करना चाहिए। वृषभ राशि, साथियों यदि वृषभ राशि है आपकी तो आपको सोना धारण करना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। सोना अगर आप धारण करते हैं और खास तौर पर बड़ी मात्रा में करते हैं, आप देखेंगे कि हर कार्य में आपके बाधा एक के बाद में एक निकटतम स्थितियों में चलती चली जाएगी। और बल्कि इसके विपरीत यदि आप चांदी धारण करते हैं, खास तौर पर मैं विद्यार्थियों को यहाँ पर संबोधित करना चाहूँगा, तो उनको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में यहाँ पर लाभ स्पष्ट रूप से मिलेगा। जो सरकार में कार्यरत हैं उनको अपना प्रभुत्व स्थापित करने में, अपने मान सम्मान में वृद्धि में, अपनी पदोन्नति में चांदी किसी भी स्वरूप में वो धारण करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही उत्तम धातु रहेगी। बात तीसरी राशि की, मिथुन राशि की। मिथुन राशि की ऐसी बहनें जिनके विवाह में देरी हो रही है, सारे वो प्रयास कर रहे हैं परंतु विवाह का बंधन जो है वो नहीं बंध पा रहा है, शीघ्र विवाह यदि वो करना चाहते हैं तो उनको भी स्वर्ण अर्थात सोना अवश्य ही धारण करना चाहिए। और तमाम वो लोग जो मिथुन राशि के हैं उनके लिए स्वर्ण हमेशा अच्छा रहता है, श्रेष्ठ रहता है धारण करना। और बड़ी ही खुशी की बात मिथुन राशि के लिए ये भी है कि चांदी भी इनके लिए अच्छी ही रहती है, कोई नेगेटिव इफेक्ट वो लेकर के नहीं आएगी। खास तौर पर ऐसे पति पत्नी, ऐसे जीवन साथी, ऐसे दाम्पत्य के जोड़े जिनके आपस में खटास है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, तो उन पति पत्नी दोनों को ही किसी भी मात्रा में, किसी भी स्वरूप में चांदी अवश्य धारण कर लेनी चाहिए। साथियों, ऐसी ही स्थिति और खुशखबरी कर्क राशि के लिए भी है। कर्क राशि के भी जितने जातक हैं वो स्वर्ण और चांदी दोनों धारण कर सकते हैं, किसी प्रकार का उनके नुकसान नहीं है। हाँ, डायमंड से उनको बचना चाहिए। कर्क राशि के जातक यदि डायमंड धारण करते हैं तो किसी प्रकार की स्थायी चोट, दुर्घटना उनके साथ में घटित हो सकती है। यदि वो सोना या चांदी धारण करेंगे तो यदि व्यापारी गण हैं तो उनको नवीन अवसर प्राप्त होंगे जिससे उनके ऑर्डर बढ़ने लगेंगे और उनके लाभ में वृद्धि होगी, धन आगमन होगा। और सरकार में यदि वो कार्यरत हैं या सरकार से उनको किसी प्रकार की शिकायत है, सरकारी कार्यों में यदि उनके देरी होती है तो उनको भी इसका स्पष्ट रूप से लाभ जरूर मिलेगा। साथियों, सिंह राशि, यदि सिंह राशि आपकी है, सोना आपके लिए सर्वोत्तम है, किसी भी स्वरूप में आप धारण करिए। और सिंह राशि के खास तौर पर ऐसे जातक जो विदेश जाना चाहते हैं, किसी देश की पीआर, परमानेंट रेजिडेंटशिप चाहते हैं, उनको तो सोना अवश्य ही धारण करना चाहिए। परंतु इसके ठीक विपरीत चांदी और डायमंड सिंह राशि के लिए धारण करना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही होगा कि आप अपने स्वयं पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने वर्चस्व को स्वयं समाप्त करने की, अपने प्रभुत्व को, अपने सत्ता को स्वयं खोने का कार्य करेंगे यदि आप चांदी धारण करते हैं तो। साथियों, यदि आपकी कन्या राशि है तो सोना आपको बहुत फेवरेबल स्थिति में है, सोना आप धारण करें। और यदि आप न्यायिक क्षेत्र में कार्यरत हैं या आपका कोई केस न्यायालय में लंबे तो है, लंबे समय से आप उससे जूझ रहे हैं, तो आपको सोना अवश्य ही धारण करना चाहिए। आप यदि सोना धारण करते हैं तो उस केस के आपके फेवर में आने की बहुत बड़ी संभावना है।
चांदी आपको धारण नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसके ठीक विपरीत परिणाम आपको मिलेंगे। सरकारी कार्यों में अड़ंगा नियमित तौर पर आपके आता रहेगा। साथियों, बात तुला राशि की। तुला राशि के जो जातक है वैसे बड़े संतुलित होते हैं, बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, परंतु सोने से इनको तौबा कर लेनी चाहिए। यदि ये नियमित रूप से स्थायी रूप से अपने शरीर पर सोना धारण करके रखते हैं तो अपने ही लोगों से ये बैर को, दुश्मनी को स्वयं निमंत्रित करते हैं। चांदी इनके लिए सर्वोत्तम रहेगी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यदि ये चांदी धारण करते हैं तो शत्रु इनके स्वतः ही आकर के सरेंडर कर देंगे। शत्रु विनाश के लिए कोई इनको एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इतना अधिक फेवरेबल इनके लिए चांदी जो है वो रहने वाली है। साथियों, बात वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि के लिए स्वर्ण धारण करना ऐसा ही है कि आप स्वयं माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। धनागमन और अच्छे रास्तों से धन आगमन आपके लिए अवश्य होगा, आपको स्वर्ण जरूर धारण करना चाहिए, चांदी से आपको दूर रहना चाहिए। यदि आप चांदी धारण करते हैं तुरंत उतार दीजिए। नियमित रूप से आपके दुर्घटनाएं होंगी, आपको ऐसी सूचनाएं मिलेंगी जिससे आपको आकस्मिक हानि, ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि कोई शुभ समाचार सुनने के लिए आपके कान ही तरस जाए। साथियों, बात करते हैं अगली राशि की, और बात धनु राशि की। तो धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति देव हैं, देव गुरु हैं, तो सोना इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और खासतौर पर संबंधों को मजबूत बनाने के लिए पति पत्नी के, प्रेमी प्रेमिकाओं के जो संबंध है उसको मधुरतम बनाने के लिए, उसमें कोई खटास आ गई है उस खटास को दूर करके मिठास में बदलने के लिए आपको स्वर्ण अवश्य ही धारण करना चाहिए। चांदी तौबा कर लीजिए। चांदी यदि आप धारण करते हैं तो राजयोग में आपके बाधा आएगी, बनते काम बिगड़ेंगे, जो फाइल चल पड़ी है उसमें भी किसी न किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क आपके लग जाएगा। साथियों, बात तो शनि की राशि मकर की करते हैं। मकर राशि के लिए भी सोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप स्वयं इस बात को आजमाइए कि यदि आपने स्वर्ण धारण किया हुआ है तो प्रेम संबंधों में आपके अड़चन आएगी, प्रेम में धोखा नियमित रूप से आपको मिलेगा, एक दो नहीं बल्कि कई बार तो तीन तीन बार बड़ा धोखा देखते हैं। पति पत्नी में नियमित रूप से ये झगड़े का कारण बनता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको चांदी धारण करनी चाहिए। जी हाँ, सम्मान में भी आपके वृद्धि होगी और जो पति पत्नी के बीच में तनाव है उस तनाव को खत्म करने में भी ये मदद करेगा, और राजयोग को आपके ये जनरेट करने का कार्य करेगा। बात करते हैं अगली 11वीं राशि जो कि शनिदेव की ही है, कुंभ राशि की। तो चूंकि शनिदेव की है इसलिए सोना इनको बिल्कुल सूट नहीं करेगा। सोना धारण करेंगे तो बिजनेस में लगातार घाटा, नौकरी में लगातार तकलीफें, टांग खींचना, काम आप करेंगे क्रेडिट कोई और लेकर के उसका जाएगा, ऐसी सारी घटनाएं नियमित रूप से आपके साथ में होंगी। बल्कि आपको चांदी जरूर धारण करना चाहिए, राजयोग कारक है, और ऐसे ऐसे कार्य आपके हो जाएंगे जिसके लिए शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप शायद ये सोच करके बैठ गए हो कि अब तो ये कार्य कभी हो ही नहीं सकता। और अंत में साथियों, बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि है। यदि विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है या फिर आप संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं नहीं हो रही है, तो आपको जरूर पति पत्नी दोनों को ही, आप चाहे पति हैं या पत्नी हैं, मीन यदि आपकी राशि है तो जरूर आपको स्वर्ण धारण करना चाहिए। चांदी भी आपके लिए फेवरेबल रहेगी, विजय दायिनी है, सफलता दायिनी आपके लिए है। साथियों, अब इसमें कई सारे पेच हैं। मुझे पता है कि कमेंट्स में आप जरूर इस प्रकार की जो अपनी जिज्ञासाएं हैं वो बतलाएंगे कि कुछ भारतीय समाज में जो मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक मान्यताएं हैं, कि जो बिछिया हम पहनते हैं, जो बहने हम राजस्थान में उसको बिछूड़ी कहते हैं, या चांदी की जो पायल है वो सभी माताएं बहने पहनती हैं, तो क्या चांदी यदि सूट नहीं कर रही है तो वो चांदी की पायल भी ना पहने? नहीं, पैरों पर ये सिद्धांत तो लागू नहीं होता, क्योंकि पैर हमारे शरीर के सबसे निचले हिस्से में हैं।
हम अपने जो दैनिक कार्य करते हैं और उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये जितने भी सिद्धांत आपको बतलाए गए हैं ये कटी प्रदेश अर्थात कमर से ऊपर के लिए लागू है। आप इसका लाभ ज़रूर लें। फौरी तौर पर यदि आप लाभ नहीं लेंगे, मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बतलाए हैं, जन्म कुंडली आपकी अपने हाथ में है, आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं पर कोई अड़चन आती है तो किसी विद्वान का सहारा लीजिए, स्वयं पर आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ये एपिसोड बनाने का उद्देश्य ही यही था कि बिना सोचे समझे एक बहुत छोटी सी भूल व्यक्ति को गर्त में गिरा देती है। मेरे पास में जो जन्म कुंडली लेकर के आते हैं, देखता हूँ कि ये क्यों पहना है आपने, कि बस किसी ने कह दिया पहन लिया। कई तो ऐसे भी हैं महाशय कि बस मुझे अच्छा लगा मैंने पहन लिया। आप अच्छा बुरा लगने से पहले अपनी कुंडली पर दृष्टिपात ज़रूर करें, क्योंकि सही निर्णय हमारे सही समय को लेकर के आता है और गलत निर्णय हमारे लिए दुर्भाग्य लेकर के आता है। तो साथियों, इसी प्रकार के जीवन को बेहतर बनाने वाले किसी और कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट होती है। इससे पहले एक सूचना मैं आपको, हालांकि वो मुझे शुरुआत में ही बतलानी थी, कि YouTube की तरफ से निरंतर एक परेशानी आ रही है कि जो जानकारी हम आपको देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, शोध करते हैं, तथ्यों को लेकर के आते हैं, तो वो सही समय पर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। इसके लिए आपको चाहिए कि आपने जो सब्सक्राइब किया है बटन, उसको वापस एक बार अनसब्सक्राइब करके पुनः तुरंत सब्सक्राइब करें, तो आपको इस समस्या से निजात मिलेगी और ये सारे आपको कार्यक्रम नियमित रूप से मिलते रहेंगे। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।